सो हे एंड हेलो दोस्तों, तो यार बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारी इस अमेजिंग से वीडियो में। तो गाइस यार मैं आप लोग को बता दूं कि आज की इस वीडियो में आपको जो सेटिंग प्रोवाइड करने वाला हूं जिसको यूज करके आप लोग ऑटो हेडशॉट मार पाओगे। जी हाँ गाइस, आज का जो मैं सेटिंग दे रहा हूँ आपके सारे सेटिंग जो है आपके फोन के सेटिंग में ही अवेलेबल है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, जहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो गाइस चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पे मैं किसी एक्सटर्नल ऐप का यूज नहीं किया हूँ सेटिंग बढ़ाने के लिए। एंड गाइस यहाँ पे मैं DPI का भी यूज नहीं करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, DPI का बिल्कुल भी यहाँ पे यूज नहीं करूँगा। पे वीडियो में मैंने बता रखा है एक DPI के डिसएडवांटेज के बारे में, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर फॉलो करना। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस इंट्रो के बाद। सो गाइस, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यार यहाँ पे मैं जो भी सेटिंग आप लोग को बताऊँगा उसको आप लोग जरूर इनेबल करना अपने गेम परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। जी हाँ गाइस, सारे सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको करने के लिए। तो चलिए मैं भी आपको बताता हूँ कि हमारा फर्स्ट नंबर सेटिंग क्या है, माई मीन फर्स्ट स्टेप क्या है। सो गाइस, तो आपको सिंपली आपके अपने मोबाइल के सेटिंग में आ जाना होगा। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा Redmi का मोबाइल है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो हमारा फर्स्ट सेटिंग था। तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे जो एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलता है ना, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। एंड जैसे आप लोग से एडिशनल सेटिंग के अंदर जाते हो तो यहाँ पे गाइस आप लोग एसेसिबिलिटी का जो ऑप्शन देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको इसके अंदर जाना है। एंड फिजिकल वाले में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा पहला जो टच एंड होल्ड डिले का जो ऑप्शन है ना, तीन ऑप्शन मिलेंगे, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। तो मैं आप लोग यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आपको सिंपली यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे इसको गाइज आप लोग शॉर्ट रखना है ताकि गाइज आप लोग जैसे गेमिंग करते हो ना, तो आप लोग जैसे फायर बटन का यूज करोगे तो जल्दी रिस्पॉन्स पकड़ेगा, मतलब मैक्रो की तरह ही ये वर्क करने वाला है। तो गाइज ये था हमारा पहला नंबर सेटिंग, तो आपको सिंपली इसको कर लेना है शॉर्ट पे। एंड गाइज दूसरे नंबर पे आपको नीचे आना है एंड यहाँ पे लार्ज माउस कर्सर का जो ऑप्शन मिल रहा है ना, जो ऑफ है, उसको आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। जी हाँ गाइज, इतना करने के बाद यहाँ पे जो हमारा पहला सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा नंबर सेकेंड नंबर सेटिंग की ओर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सो गाइस, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड नंबर सेटिंग क्या होने वाला है। एंड गाइस ये भी सेटिंग जो है हमारे मोबाइल के सेटिंग के ही अंदर अवेलेबल है, तो इसके लिए गाइस आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। एंड यहाँ पे गाइस आपको सर्च करना है पॉइंटर स्पीड। जी हाँ गाइस, एंड ये जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ ना, आपको भी ये लिख देना है। जैसे पॉइंटर स्पीड जैसे लिखोगे ना, तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉइंटर स्पीड पे क्लिक करना है। आपका बाय डिफॉल्ट आधा होगा, बट गाइस इसको आप लोग पूरा कर देना। देख सकते हो जैसे आप लोग इसको पूरा करोगे ना, तो ये आपका जो सेंसिटिविटी है एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाएगा। तो गाइस यार यहाँ पे गाइस जो हमारा सेकेंड नंबर सेटिंग है इसमें तो आपको यही करना था। तो गाइस इसको करने के बाद गाइस हमारा जो सेकेंड नंबर सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड नंबर स्टेप की ओर। बहुत तेज हो रहे हैं। सो गाइस यार, तो थर्ड नंबर स्टेप में मैं आप लोग को DPI के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस यार मैं आपको बता दूँ कि यार प्लीज़ आप लोग कभी भी DPI को ज़्यादा इंक्रीज मत करना। बहुत सारे लोग होते हैं कि यार 400-500 DPI इंक्रीज़ कर लेते हैं एक्स्ट्रा DPI, तो यार उस केस में क्या होता है कि उनका डिवाइस हीटअप होना स्टार्ट कर देता है एंड गाइस उनका परफॉर्मेंस जो है मोबाइल का वो बहुत ख़राब हो जाता है। पैसा बर्बाद। तो गाइस यार मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप DPI बढ़ाना चाहते हो ना, तो आपके डिफॉल्ट DPI से 70 या 80 तक बढ़ाना, उससे ऊपर कभी मत बढ़ाना, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं हमारे फोर्थ नंबर स्टेप की ओर। तू समझा? हाँ। सो गाइस यार, तो स्टेप नंबर फोर में कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि मैं आप लोग को बता दूं कि यार यहाँ पे मैंने जितने भी सेटिंग आप लोग को बताया है उसको आप लोग फॉलो करना। एंड उसको इनेबल करने के बाद जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग ऑटो हेडशॉट मार पाओगे, तो गाइस यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे गाइस मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको यूज करके हैकरों के जैसा हेडशॉट मार पाओगे, हाँ, बल्कि इतना कह सकता हूँ कि आपका जो पहले का हेडशॉट रेट था वो 70-80% तक बढ़ जाएगा। जी हाँ गाइस, इतनी खुशी। तो आप लोग प्लीज अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि यार बहुत सारे व्यूअर्स लास्ट पार्ट नहीं देखते हैं एंड बाद में बोलोगे कि आपने ऐसा क्यों बोला था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दिया। तो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।